हाय एवरीवन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स, तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एक अर्थमेटिक मीन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसकी एक एक्सटेंशन है। उसका नाम है वेटेड मीन। सो व्हाट इज़ द वेटेड मीन, हम इस लेक्चर में जानेंगे, एंड हाउ कैन वी कंप्यूट इट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं, हमने ये लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि द एवरेजेस मीन्स आर कैलकुलेट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ डाटा। हमें डाटा की एक सेंट्रल वैल्यू चाहिए होती है, एक एवरेज फिगर चाहिए होती है। फॉर दैट पर्पस वी कैलकुलेट द मीन्स, और मीन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, केस टू केस हम डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट टाइप फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट यूज़फुल मीन इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन, जो कि बहुत सारी जगहों पर अप्लाई होता है। लेकिन दिस इज़ द लिटिल बिट एक्सटेंशन ऑफ दैट मीन, दिस इज कॉल्ड द वेटेड मीन। वेटेड मीन एंड अर्थमेटिक मीन में द बेसिक डिफरेंस इज दैट वैन वी गिव द ईच एंड एवरी वैल्यू हैज़ अ सेम वेट्स, सेम इम्पॉर्टेंस, सो दिस इज कॉल्ड द सिंपल अर्थमेटिक मीन। एंड वैन वी गिव द डिफरेंट importance to the different types of the figures in the during the calculation of the mean, this is called the weighted mean. So weighted mean mein agar hamare paas different categories hongi, so as per previous experience, as per analysis, unki weights ke mutabik hum central value find karne ki koshish karenge. Isko hum ek example se understand karte hain taaki hame usko pata lag sake ki ek weighted mean ki practical implication kya hai. So first of all we discuss that what is the formula, how can we compute it. So the formula is very simple, weighted mean, that means this is a symbol of mean, and if we place the small w in the subscript, so it is called the weighted mean. And we will use the summation value xi, but it will multiply with the weight of that value. So we have different figures and they have a specific weights. By the multiplication and then we'll sum and divided by total weights, the sum of the weights, the response is weighted mean. Now we'll discuss about an example of that. Let's we assume that there is a ABC factory, और इस ए बी सी फैक्ट्री में मुख्तलिफ कैटेगरीज, मुख्तलिफ आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर, लेट्स सपोज वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव फोर डिफरेंट आइटम्स, 1, 2, 3, 4, ये उसके प्रोडक्शन कैटेगरीज हैं, प्रोडक्शन हैं। अब वो कैटेगरीज क्या है, वो प्रोडक्शन क्या हो रही है, लेट्स सपोज सो दीज आर फोर डिफरेंट प्रोडक्शन आइटम्स। अब देखते ये हैं कि इस फोर आइटम्स पे कंपनी ने अपनी एक कॉस्ट लगाई है 2020 में या 1920 में, दिस फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने स्पेसिफिक कॉस्ट इन आइटम्स पे लगाई, और वो कॉस्ट जो है वो इन टर्म ऑफ रुपीस है 1000 रुपीज़। सो लेट सपोज अगर क्लॉथ पे कंपनी ने कॉस्ट लगाई है 100, एंड देन थ्रेड पे लगाई है 80, और बटन पे लगाई है 30, और रिबन पे लगाई है 20। सो दिस इज़ द वेरिएबल, कॉस्ट वेरिएबल। इफ आई वांट दैट वन टू कैलकुलेट दैट व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ दैट कंपनी फॉर ऑल दीज फोर कैटेगरीज, बट वी आर नॉट आस्किंग दैट सिंपल एवरेज, वी वांट व्हाट इज़ द वेटेड एवरेज।
हमें इसके लिए हर आइटम का वेट पता होना चाहिए. वेट्स विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, फैक्ट्री की प्रायोरिटी, इम्पॉर्टेंस ऑफ द आइटम के ऊपर निकलेंगे, उसकी रेवेन्यू फिगर से या किसी और मॉडस ऑपरेंडी को यूज़ करते हुए कंपनी ने आपको बताया जो क्लॉथ है इसका जो हमारे पास वेट है वो है 2.5. थ्रेड है इसका जो वेट हमारे पास है 1.5, और बाकी दो आइटम्स का वेट हमारे पास 0.5 एंड 0.5. आई वॉन्ट टू डिस्कस लिटिल बिट अबाउट हेयर वेट्स. वेट बेसिकली आइटम की इम्पॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं. क्लॉथ इतना रेवेन्यू इंसेंटिव है मिसाल के तौर पे कि वो अपनी कॉस्ट से जो भी उसकी कॉस्ट लगी है उसको 2.5 यानी कि 1 से ऊपर वेट का मतलब ये कि वो उसको उतना परसेंट इंक्रीज कर रहा है. 1 वेट मीन दैट्स मीन इक्वल वेट, मोर देन 1 मीन डबल एंड इट इज़ मोर देन डबल. सो दिस आइटम हैज़ मोस्ट highly important for the factory for the revenue purpose if the weights are calculated on the basis of revenue. Some another variable, so it's another importance, but the weights 2.5 here. For the thread we have weights 1.5, yeah, it's also more than one, so it has also a great importance. These two category has the low weight, lower than one. सो जो इनकी अपनी प्रोडक्शन होगी उससे कम रिस्पॉन्स ही देंगे. सो दीज आर द वेट्स एंड इफ वी टोटल टू द ऑल दीज फिगर्स सो दिस इज बेसिकली 230. सो दिस इज द टोटल कॉस्ट एंड इफ वी विल सम ऑफ द वेट्स इज 4, 5. फाइनली फॉर द कंपटीशन ऑफ weighted cost, so we have to multiply these two variables. So simply this is the xi into wi, because this is xi, this is wi, so 395 we will place. And we'll divide the total weights. So what will be the average weighted cost is 79. So now we discuss on the interpretation. Weighted average ने इन दो categories को important weight दिया और इनकी cost भी high थी. So weighted cost बता रही है कि almost for all category we use 79 1000 rupees cost for the all category. This is an average cost. Comparison purpose ke liye, if we calculate a simple simple average for the same problem, to isme sabka weight 1 ho jayega. That means we hum weight ka column remove kar denge and we have the four different figures. Agar hum four different figures ki baat kare to uska sum aapke paas maujood hai 230 aur number of observation hai 4. अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपका जो आंसर निकलता है वो निकलता है 58. दिस इज सिंपल अर्थमेटिक मीन. एक्चुअली व्हाट इज दिस, आपके पास एक हाई फिगर थी एक लो फिगर थी और उसने उसको सेंट्रलाइज करके 30 से ऊपर और 80 से नीचे एक रिस्पांस सेंटर में दे दिया 58. ये 58 ही बता रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर पे 58,000 रुपीज़ की कॉस्ट लगाई गई है. लेकिन ये रिस्पांस इससे ज़्यादा है बिकॉज आपने जिन कैटेगरीज़ को ज़्यादा वेट दिया उनकी जो फिगर्स थी उसने उसको उससे इन्फ्लेट किया है. सो दैट्स व्हाई हम वी आर सेइंग दैट आवर टोटल वेट इज़ 5 एंड दीज कैटेगरीज हैज़ अ मोर वेट, सो द रिस्पांस इज 79. अगर आपको एक्सरसाइज के तौर पे आप इसको करना चाहें कि आप अगर ये सेम वेट्स रिवर्स करें, ये लो वेट आप उन दो कैटेगरी को दें और ये हाई वेट इन टू कैटेगरीज को दें एंड देन फिर आप जब इसका वेटेड कॉस्ट निकालेंगे
तो वेटेड कॉस्ट आपको हायर साइड पे नहीं लोअर साइड पे नजर आएगा, बिकॉज वो आइटम जिनकी कॉस्ट लो थी उनको आपने ज़्यादा वेट दिया। मैं रिवर्स की बात कर रहा हूँ, जो आप एग्जाम्पल करेंगे तो वो अपना इम्पैक्ट आपको अपने वेट में नज़र आएंगे। तो दिस इज द टोटल थ्योरी ऑफ द वेटेड मीन, दिस इज अ लिटिल बिट एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड व्हाट इज़ द आइडिया वी डिस्कस हियर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। मजीद वीडियोज़ के लिए, मजीद जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।